मैं बहुत खुश हूं, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है, ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है, लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से सही काम किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। यस, बिकॉज द वे मुंबई पुलिस वॉज बिहेविंग वॉज टोटली इलीगल, वॉज टोटली अनइथिकल, वॉज टोटली अनप्रोफेशनल। वन आईपीएस अफसर इज गोइंग टू मुंबई विथ प्रायर इन्फॉर्मेशन एंड ही इज बीइंग क्वारंटीन एट 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यूज अपडेट्स।